अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद उसामा कादरी, और मैं लाया हूं आपके लिए प्रोग्राम 5 ऑन द रोल, जो कि बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। हमारे पास होंगे इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स जो कि इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर होंगे। सो मूविंग टुवर्ड आवर फर्स्ट सेगमेंट विच इज इंफरटेनमेंट, जिसमें हमारा साथ देंगी पुरिया फरजीन एंड हमदा अजहर। तो गाइस, बचपन से ही हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि बड़े होकर क्या बनेंगे, और जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि वी डू हैव ओनली टू फील्ड्स, दीज आर डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर और येलो कैप इंजीनियर। सो लेकिन इट्स अ डीप डाउन रियलिटी दैट एवरीवन ऑफ अस जस्ट वांट टू बी अ फेमस। हम फेमस होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जहां पर भी हम जाएं हमारा एक ग्लैमर हो, हमारा एक लुक हो। लेकिन क्या फेमस होना वाकई ही इन करेक्टर्स पर पूरा उतरता है? क्या फेमस होने से आप वाकई वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं? तो इस बारे में हम पूछते हैं अपनी को-होस्ट पुरिया फरजीन से। बिल्कुल उसामा, जैसा आपने कहा कि हर कोई फेमस होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो जहाँ जाए उसके पीछे एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो। जी बिल्कुल, और लोग उसका जो है लोग उसको फॉलो करें और जगह जगह उनके कॉन्सर्ट्स हों। लेकिन जब आप व्हेन यू गेट इनटू समवन्स शूज़, यू रियलाइज़ कि सेलिब्रिटी होना इतना आसान काम नहीं होता। जब आप सेलिब्रिटी होते हैं तो आप लोगों के अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं, लोगों की आँखें आपके ऊपर होती हैं, आपका एक एक मूव जो है वो उसको जज कर रहे होते हैं, ठीक है। और एट टाइम्स हम लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं, सेलिब्रिटी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनको उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़ते हैं, और जो हम समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं वो ऐसा नहीं होता। फिर 100% ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे जो डिफरेंट कंट्रीज में बैन हो चुके हैं। सुनने में काफी अजीब लगता है क्योंकि सेलिब्रिटीज की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, हर कंट्री में उनके इतने ज्यादा फैंस होते हैं, वो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और उनके इवेंट्स एट द सेम टाइम आर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दिस कंट्री एंड दैट स्टेट। लेकिन हर कंट्रीज के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, और अगर आप अपने माई लाइफ माई रूल के स्लोगन को अपनाएंगे तो फिर हम फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस को तो फेस करना ही होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने फर्स्ट सेलिब्रिटी के ऊपर, क्यों हमदा? बिल्कुल, जिनके बारे में हम बता सकते हैं आपको एक एक सॉन्ग के साथ, अर्जेंटीना में उनका एक कॉन्सर्ट था। एंड ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट आपको पता है कि किसी भी कंट्री का एक फ्लैग जो होता है एक बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ होती है उस कंट्री के लिए। लेकिन उसने जस्टिन बीबर ने ड्यूरिंग हिज कॉन्सर्ट ही ड्रैग द फ्लैग ऑफ अर्जेंटीना ऑन द स्टेज फ्लोर, और वो एक बहुत डिसरिस्पेक्टिंग एलिमेंट था फॉर द पीपल ओवर देयर। और उसकी गवर्नमेंट ने जो है वो जस्टिन बीबर को वहाँ पे उसके कॉन्सर्ट्स, उसका आना सब कुछ बैन कर दिया। और इसी के साथ हमारे पास शायद हमजा के पास भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड हमें कुछ दिन पहले का एक वाक्या याद आ जाता है कि जब एक पोलैंड की ट्रैवल व्लॉगर ने एयरप्लेन के अंदर पाकिस्तानी फ्लैग के साथ किकी चैलेंज किया था, जिस पे उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। मगर जब उन्होंने पाकिस्तान के बाद में एक ट्रैवल किया था और एक काफ़ी पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिया था, तो उस पर भी काफ़ी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला था। हाँ, उन्हें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। दैट वॉज आई डू थिंक इवर्स बैक, जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया, उनका ट्रैवल व्लॉग बनाया और एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान के लिए और दुनिया को पाकिस्तान का इमेज रिप्रेजेंट किया। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप पाकिस्तान में आए, ट्रैवल व्लॉग बनाए, तो उनको मेरे ख्याल से माफ कर दिया गया। इट्स ओनली दैट कि अर्जेंटीना में वो जो है बैन कर दिया गया ऑन द डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ द फ्लैग, लेकिन पाकिस्तान में जो है बैन नहीं किया गया। गवर्नमेंट की तरफ से क्रिटिसिज्म हुआ लेकिन कोई भी स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया गया। जी, इसी के साथ हम जाते हैं अपने सेकेंड सेलिब्रिटी के ऊपर, और जो कि है हेना मोंटाना, लेकिन उनको हम जानते हैं माइली साइरस के नाम से। एंड शी वॉज बैंड फ्रॉम द स्टेट, जो कि हम हमदा के एक्सप्रेशन से जो है रियलाइज कर सकते हैं, और उनकी रीजन भी कुछ ऐसी ही थी। गेस करें उसामा। इज दैट फिलीपीन? नो। कोरिया? नो। ओह ओके, इट्स अ चाइना। यस, इट्स चाइना। 100% राइट। या, इट्स अ चाइना। सो क्या किया था जी उन्होंने? शी पोस्टेड अ पिक्चर लाइक दिस यार। शी पोस्टेड अ पिक्चर लाइक दिस। ओह, बैन हो गई इस पे। डैम चाइना। इट हर्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ चाइना। एग्जैक्टली। यस एग्जैक्टली, उन्होंने अपनी एक पिक्चर जो है इस पोस्ट में जो है पोस्ट की थी, जिसके बाद चाइनीज पीपल के जो है सेंटीमेंट्स बहुत हर्ट हुए थे, एंड शी वाज एक्चुअली बैंड फ्रॉम गोइंग देयर एंड हैविंग एनी कॉन्सर्ट्स ओवर देयर। सो गाइस, इट वाज आवर फर्स्ट सेगमेंट व्हिच वाज इंफोटेनमेंट, जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग था, जिसमें हमने जाना कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज डिफरेंट कंट्रीज में बैन क्यों हैं। फॉर दिस सेगमेंट आई डू वांट टू थैंक पुरिया फरजीन एंड हमदा अजहर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ वेरी गुड वे। Moving toward our next segment, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा entertaining, and that is Whisper Challenge.
Assalamu alaikum. Main hu aapki host Hamda Azhar. In this segment we will do a very interesting challenge with our new guest in every new episode. To sabse pehle main aapko batati chalun ki is segment mein hoga kya. Hum apne guest ko denge loudspeaker jisme hoga ek loud music play and I will be saying some lines jo ki wo guess karna unke liye kafi mushkil hoga. Lekin agar wo guess kar lenge to unko milenge us par points. ये सेगमेंट मेरे और मेरे गेस्ट के दरमियान में होगा तो लेट्स सी हु विल विन दिस सेगमेंट. तो आइए चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपने गेस्ट से जो कि हैं एसएन रजा. एसएन रजा यहाँ पे प्रोडक्शन टीम का भी हिस्सा हैं और इसके अलावा ड्रामेटिक्स के बहुत एक एक्टिव मेंबर भी हैं और फन फैक्ट ये है कि ये हमारी क्लास के सीआर भी हैं. तो एसएन कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई होप आपको हमारे चैलेंज की समझ आ चुकी हो. तो लेट्स स्टार्ट दिस सेगमेंट. एसएन प्लीज आप ये हेडफोन्स अपने कानों पर लगा लें और उसके बाद आप डिवाइस प्ले कर दें और न्यूट्रल होके मुझे बताएगा आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं. आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है? कुछ रिएक्शन? तो गाइस इनको हमारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही. तो लेट्स स्टार्ट दिस सेगमेंट. हमारी फर्स्ट लाइन है किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर. किन्ने 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 अली किन्ने किन्ने जाना है अली का घर. नहीं किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर. किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर. नाइस. तो इन्होंने हमारी फर्स्ट लाइन गेस कर ली है और एक पॉइंट भी विन कर लिया है. सो सेकंड लाइन इज योर ब्रेथ स्मेल लाइक अनियन. योर डॉट योर ब्रेथ स्मेल लाइक any guesses. your breath smell like onion. ali ke ajit inko ali bahut pasand hai mere khayal se. to hamari next line hai 3 plus 3 is equal to 6. 3 plus 3 is equal to 6. maine ye bilkul sahi guess kiya hai. और हमारी लास्ट लाइन है कर फखर उठा के सर. कर फखर उठा के सर. एहसन आपका स्कोर काफी अच्छा रहा 3 out of 4. अब हम स्विच करेंगे अपनी जगह और आप बोलेंगे और मैं गेस करूंगी. तो हमदा यू हैव लाइंस टू गेस. अब हम हमदा से ये कुछ लाइंस बुलवाएंगे और देखेंगे कि वो गेस कर पाती हैं या नहीं. सबसे पहली लाइन है नाक कटवा दी मेरी. क्या नाक कटवा दी तुमने मेरी? क्या दोबारा से? ओके दोबारा. नाक कटवा दी मेरी. नाक कटवा दी मेरी है ना. दिल में मेरे है दर्द डिस्को. क्या दिल में मेरे है दर्द डिस्को? तिल वाले नान. क्या दिल में मेरे है दर्द डिस्को? दोबारा से एक दफा. दिल में मेरे है दर्द डिस्को. दिल में मेरे क्या है? दर्द है डिस्को. दिल में मेरे कौन सा दर्द है? डिस्को. किसको? दिल में मेरे है दर्द है डिस्को. दिल में किसको? आप ये लाइन नहीं कर पाई और आप अब हार गए. इसके लिए इनको मिला है 0 point. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. अगेन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. इजी स्लो स्लो थोड़ा बोले मुझे लिपस्टिक शायद मैं कर लूं. इजी मुझे बहुत मजा आ रही है. SpongeBob SquarePants. Popcorns. SpongeBob. Boats. SpongeBob SquarePants. Boats, sports. ये नहीं मुझसे होने वाला. हमदा आपने सिर्फ 2 score अचीव किया है आउट ऑफ 4. तो मैं अपने ही गेस से हार गई जो कि मेरे लिए काफी एक बुरी बात है. एसएन थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो. अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है नेवर हैव आई एवर. So guys, ये थे हमारा विस्पर चैलेंज और आई होप कि आप लोगों ने इसे बहुत इंजॉय किया होगा. तो मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज नेवर हैव आई एवर. अ
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुनीब और वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। और इस सेगमेंट में हम अपनी होस्ट इश्मा तारिक से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें हम इसको एक्सपोज भी कर सकते हैं। तो जी इश्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। इश्मा, आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका अगर आपने आंसर यस में हुआ तो आप ये पियेंगी और अगर आंसर नो में हुआ तो आप हमें पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगी। तो इश्मा, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, नेवर हैव आई एवर वेंट टू स्कूल विदाउट ब्रशिंग माय टीथ। नो, आई थिंक मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। कभी तो हुआ होगा यार, याद करो बचपन में कभी सुबह जल्दी उठे, जल्दी नहीं उठे। नहीं नहीं, ये चाहे हम लेट भी हो जाए स्कूल के लिए या कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, तो मुझे ऐसी आदत नहीं है पर्सनली। मुझे सफाई रखना बहुत पसंद है, तो मैं अपने साथ कभी ऐसा होते हुए देख नहीं सकती। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Never have I ever got beaten up by my mother. Yes. हाँ, पंजाबी लोग हैं हमारे साथ तो यही होता है, हमारी पंजाबी माएं अच्छा हासा हमें कुटती रहती है। Yes, ऐसा होता है। Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। Sure. Never have I ever slapped my classmate. कभी अपने क्लासमेट को लगाया थप्पड़ किसी भी बात पे? No. कभी भी नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, गुस्सा आता है, लेकिन वो उस तरह बोलने में निकल जाता है। हाथ कभी स्कूल में कॉलेज में कभी किसी को भी नहीं मारा? सोच लो। आई थिंक नो, लोगों को देखा मैं मारता हूँ लेकिन मेरा इतना हौसला नहीं है। अब ये बताओ, नेवर हैव आई एवर बंक्ड माय कॉलेज, कभी बंक मारा कॉलेज में? वो तो तुम्हें अभी भी बंक मार के हमारे साथ शो कर रही है, लेक्चर चल रहा है पीछे से बंक मारा हुआ। बहुत मारे हैं और इसमें एंजॉय है, कहते हैं जिंदगी को एंजॉय करके गुजारना चाहिए और एंजॉय के बगैर तो लाइफ यू नो बिल्कुल ही। अभी भी आप एंजॉय कर रही हैं? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर एंटर्ड इनटू अन इनवाइटेड वेडिंग, बिन बुलाए कभी शादी पे गए दोस्त वगैरह मिलके? ऐसा हुआ था, सारे काम किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में थी तो मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया कि हम इनवाइटेड हैं तो तुम पीछे अकेली ना रहो, चलते हैं मज़ा आएगा। जैसे आपको पता है दोस्तों के गॉसिप्स होते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया। फिर मुझे जब मैं गई, खैर मैं चली गई, और जब मैं गई थोड़ा सा मुझे हुआ कि मैं एक अननोन वेडिंग में आई हूँ, लेकिन इट वॉज फन। ओके ओके, तो ये था हमारा सेगमेंट जिसमें हमने जाने इश्मा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिसमें वो थोड़ी बहुत अपनी बातें बता चुकी है जो कि अक्सर फ्रेंड्स को नहीं पता होंगी। और अभी इसने 1 2 3 तीन शॉट्स पी लिए और दो बाकी हैं, मतलब कि आप तीन काम कर चुकी हैं। हाँ जी, लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए तो मैंने ये सब भी कर। ओके, तो थैंक यू सो मच इश्मा, आपने हमें टाइम दिया, बहुत मजा आया आपके साथ सेगमेंट करके। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ये था हमारा सेगमेंट नेवर हैव आई एवर जिसमें हमारी गेस्ट थी इश्मा और बहुत ही मजे के मुनीब तबस्सुम ने उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए। तो गाइस, ये था हमारा प्रोग्राम 5 on the Roll जो कि बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। पर्सनली मैंने तो इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।